तो चलो अब मैं बताती हूँ दाल बाटी चूरमा मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले दाल ले लेना है, तो मैं दाल ले ली हूँ। और दाल में कौन सी दाल ली हूँ मैं, तो मैं ली हूँ चना, उड़द और मसूर का दाल ली हूँ। तो आप भी ले सकते हो वही, नहीं तो उड़द का जो काला वाला दाल होता है छिलके वाली, उसकी भी बनती है, तो उसका भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी रेसिपी। अभी मैं येलो वाली दाल बनाई हूँ, और वो दाल बनाने पे ब्लैक होती है दाल, तो उसके भी रेसिपी लेकर मैं ज़रूर आऊँगी। पहले इसको बना लेते हैं। तो ये देखो कुकर गर्म हो गया, उसमें घी डाल दी और फिर उसके बाद दाल को डाल दी। दाल को अच्छे से धो लेना है, अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है उसको, तब फ्राई करना है। तो ये देखो मैं घी के साथ इसको भून रही हूँ, और अच्छे से भून जाने के बाद तब इसमें पानी डालेंगे। तो ये थोड़ी अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, नहीं तो दाल होता है ना कि बस उसमें सीटी लगा दो उसके बाद से उसमें छौंका मारो। तो मैं पहले घी में उसको भूनती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है ना तो उठ के आता है, और खाने में भी टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो अच्छा दिखता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये घी में पहले भूज के फिर सीटी लगाना है, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, पहले घी में भूनकर उसको दाल को फिर सीटी लगानी है। तो ये देखो दाल थोड़ी सी और फ्राई करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी, मतलब ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का ही करना है फ्राई। तो चलो हो गया है, लगभग फ्राई हो गया है मेरा। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो ये देखो हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, और फिर उसके बाद सीटी लगा दी। मैं कुछ करना नहीं है, बस घी में फ्राई करना है, पानी डालना है, हल्दी डालना है, नमक डालना है, फिर सीटी लगा देनी है। अब उसके बाद मसाला को, दाल को फ्राई करने के लिए क्या क्या लगेगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो प्याज, प्याज को मैंने अच्छे से कट करके रख लिया है, अदरक, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, और ये है दालचीनी, बड़ी लौंग, छोटी लौंग, सॉरी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और रेड वाला मिर्च है, फिर तेज पत्ता है। तो चलो दाल सीटी दे रहा है, अभी 2 दे दिया है और 1 सीटेगा, उसके बाद बंद कर दूंगी। तब तक मैं इधर दाल को फ्राई करने के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई गर्म हो गया, उसमें डाल दी मैं, और उसके बाद अब इसमें क्या डालना है तो मैं आप लोग से बता रही हूँ। जो मसाला ली थी खड़ा मसाला, वो सब डाल देना है इसमें, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, मिर्ची, तो ये सब इसमें डाल देना है। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली जीरा, मैं यही खड़ा मिर्च मसाला डाली। और फिर उसके बाद प्याज डालना है आपको, और प्याज को अच्छे से भून लेना है, हल्का ब्राउन कर लेना है। इसके बाद तो ये देखो जो मसाला फ्राई कर रही थी तो हल्का ब्राउन हो गया है, और चिपक भी नहीं रहा है, अच्छे से गल गया है। तो चलो इसको थोड़ा सा और ढक देती हूँ 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद से फिर गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना है, हाई नहीं करना है। और चलो आगे के प्रोसेस कर लेती हूँ। तो आगे क्या करना है, तो ये ले ली मैं धनिया, और धनिया को हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और बिना तेल के करना है, सूखा सूखा करना है, इसको भून लेना है। एक कलछुल या तावा पर भी आप भून सकते हो, या छोटा कढ़ाई है उसमें भी भून सकते हो। तो मेरे पास ये तड़का लगाने वाला कलछुल है, इसमें मैं भून ली धनिया। धनिया को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाए उतना ही करना है। तो चलो धनिया तैयार है, और इसमें मैं डाल दूंगी सौंफ। तो ये रहा सौंफ, सौंफ को भी अच्छे से भून लूंगी। गैस बंद है, बस जो कलछिल है ना मेरा वही गरम है, तो उसी में मैं करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, नहीं तो फिर जल जाएगा सौंफ। तो चलो इसको कर लेती हूँ, और
तो ये किस में डालना है तो मैं आप लोग से बताऊंगी। आप लोग को लगता होगा कि ये दाल में डालेगी, दाल में नहीं डालना है, ये अलग डालना है, तो किस में डालना है तो अभी रुको, जरा सब्र करो। तो चलो इसको भी कूट लेते हैं, और अभी गर्म है तो अच्छे से कूट जाएगा, इसीलिए अभी कूट लेती हूँ इसको। तो ये देखो मसाला भी एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपका है और अच्छे से गल गया है, पक गया है। तो चलो इसमें भी कुछ मसाला डालना है अभी, तो मैं डाल लेती हूँ वो मसाला और फिर तड़का लगा लेती हूँ। तो चलो जल्दी से मसाला डाल लेती हूँ इसमें। इसमें क्या डालना है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। और ये है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी के थोड़ा सा क्रश कर लेना है, उसके बाद फिर डालना है। तो ये देखो मैंने कर लिया और फिर मसाला के अंदर डाल दी कसूरी मेथी। उसके बाद अभी मैं डाली इसमें नमक, फ्लैश लाइट मेरा ऑफ हो गया है इसीलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा है। तो नमक डाल दी, नमक के बाद मैं डाली इसमें लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर के बाद इसमें डालना है जीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार मतलब जैसे ज़्यादा तीखा कम तीखा उस हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो चलो मसाला तो रेडी है मेरा, और इधर दाल भी रेडी है। ये देखो दाल में अभी डालनी है पानी, तो पानी डाल देती हूँ मैं दाल में, और इसको अच्छे से निकाल लेना है। निकाल के इसको डालेंगे कढ़ाई के अंदर, मसाले के अंदर। तो चलो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। इधर देखो मसाला को ढक दी थी मैं, मसाला फ्राई हो गया है अच्छे से। तो चलो अब डाल दूंगी इसमें दाल। तो चलो दाल रेडी हो गया है, बस धनिया पत्ता डालना है, तो डाल दूंगी लास्ट में। और इधर आटा ले ली हूँ बाटी बनाने के लिए। तो ये जो कूट के रखी थी मैं जीरा, सॉरी सौंफ और धनिया, तो ये ले ली। और उसके बाद फिर इसमें डाल दी हल्दी, हल्दी के बाद इसमें डाली नमक, नमक के बाद इसमें डालना है तेल रिफाइंड। तो रिफाइंड थोड़ा सा ज़्यादा डालना है इसमें, जैसे 4 चम्मच आप डाल सकते हो। जैसे मैं 5 आदमी का खाना बना रही हूँ तो 4 चम्मच इसमें तेल डाल दी हूँ मैं, तो उसी अंदाज से आप डाल सकते हो इसमें। मतलब थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, जैसे पूड़ी में आप मोम के लिए डालते हो ना पूड़ी में तेल, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें बाटी में, तभी बाटी सॉफ्ट बनती है। तो चलो आटा को गूंथ लेते हैं, गूंथ के फिर रेडी कर लेते हैं। चलो फटाफट से जल्दी से गूंथ लेती हूँ आटा, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, बस बहुत जल्द 2 मिनट में।
तो चलो चूरमा बना लेते हैं। और चूरमा में डालने के लिए चाहिए ड्राई फ्रूट्स। इसमें क्या चाहिए तो इलायची, तो इलायची की छिलका निकालती हूँ मैं, और काजू और बादाम, ये तीन चीज़ डालना है चूरमा बनाने के लिए। तो ये देखो ब्लेंड कर दी मैं, और फिर इधर जो पूड़ी तली थी उसको अच्छे से तोड़ दी हूँ मैं, और ठंडा भी हो गया है तो चलो इसको भी पीस लेती हूँ मिक्सी में डालकर। तो चलो ये भी तैयार है, ये देखो रेडी हो गया है। बहुत जल्दी, मतलब एक दो बार ऐसे घुमाओगे बस पिस जाता है। तो चलो दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद अब चूरमा बनाते हैं। और अभी लास्ट बच गया था चीनी, चीनी को भी हल्का फ्राई कर, सॉरी चीनी को भी पीस लेना है मिक्सी में। तो ये देखो चीनी रेडी है मेरी पीस ली। और अभी चूरमा बनाने के लिए चलो एक बर्तन ली, उसमें डाल दी जो पूड़ी पीसी थी पूड़ी, फिर चीनी डाली, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के बाद इसमें घी। भाई जब राजस्थानी खाना बनाना है ना तो घी तो लगेगा ही लगेगा, घी ज़्यादा ही यूज होता है राजस्थानी खाना में। तो चलो अभी घी मैं डाल दी, 2-3 चम्मच घी डाल दी, और इसको अच्छे से मिला लेना है। बहुत अच्छा लगता है खाने में चूरमा, दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे, बहुत अच्छा लगता है। खास करके अभी सर्दियों के मौसम में खाने में मतलब मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो चूरमा रेडी है, और ऊपर से थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और थोड़ा सा काजू बादाम मैं डाल दी। तो कितना प्यारा दिख रहा है ये देखो, बहुत अच्छा दिख रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर पे सब लोग खाते हैं ये दाल बाटी चूरमा। तो चलो चूरमा रेडी हो गई, अब आगे क्या करना है तो मैं आप लोग को बताती हूँ आगे। चलो अभी बाटी को देख लेते हैं। तो ये देखो बाटी पक गई है, बाटी थाली में निकाल ली, और इस पर घी डालते हैं। तो ये देखो मैं हल्का हल्का तोड़ ली हूँ बीच से, ऐसे तोड़ के फिर उसमें घी डाल दी हूँ। आप चाहे तो एक कटोरी ले लो, कटोरी के अंदर घी रख लो और फिर उसमें डिप कर लो बाटी को, एक एक बाटी को डिप करके निकाल लो। मैं ऐसे डाल दी, ऊपर से चम्मच से डाल दी, और इधर दाल भी रेडी हुई, चावल भी रेडी हुए, और इसके साथ खाते हैं लहसुन की चटनी। क्योंकि लहसुन के अचार में लगाई घर पे तो बहुत अच्छा लगा है अचार, तो वही खाएंगे आज बाटी के साथ अचार। तो लो जी भाई दाल बाटी।